वेलकम टू माय चैनल आओ खाओ। सबसे पहले तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लेके आए हैं चाय का मसाला, चाय जो सर्दियों में सबको बहुत पसंद है और सब इसको पीना बहुत पसंद करते हैं। चाय नॉर्मल हर किसी के घर जाओ तो केवल चीनी या चाय पत्ती दूध डाल के दे देते हैं, पर आज मैं आपको ऐसा मसाला बताऊंगी जिससे जो है चाय का टेस्ट दुगना हो जाएगा और चाय थोड़ी हेल्दी भी हो जाएगी। तो आइए बनाते हैं चाय का मसाला, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए सामग्री 10 ग्राम छोटी इलायची, 4 बड़ी इलायची, 10 ग्राम सौंफ, कुछ तुलसी के बीज, 5 ग्राम लौंग और 10 ग्राम काली मिर्च। इन सबको हम डालेंगे एक जार में। तो जार में डालना शुरू करते हैं काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, सौंफ, बड़ी इलायची और तुलसी के बीज। अब इसको हम बंद कर देते हैं। आप चाहे तो इसमें सोट भी डाल सकते हैं, मुझे सोट नहीं पसंद है तो मैं अदरक कूच के ताई में डालती हूँ। तो चलिए अब हम इसको लगाते हैं अपनी मिक्सी में और मिक्सी को चलाते हैं। मसाला मेरे पास पहले से तैयार किया हुआ है तो ये यहाँ पर रखा है, देखिए ये ऐसा बन के आएगा। अब चलिए हम चाय बनाते हैं और चाय में मसाला बनाते हैं, तो आपको पता भी तो होना चाहिए कितना मसाला बनना है। चलिए चाय के लिए मैंने गैस पे पतीला रखा हुआ है और हम 2 कप चाय बनाएंगे। 1 कप चाय का पानी डाला हमने, अब इसमें हम जो है चाय पत्ती डालेंगे।2 कप चाय में बहुत ही थोड़ा सा मसाला डालेंगे हम। हमारी चाय खोलने लगी है, अब हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। मैं किसके डालूंगी, अगर आप सोल्ट उसमें डाल देते हो तो आप उसमें अदरक मत डालना चाय में, क्योंकि मैंने सोल्ट उसमें नहीं डाला है इसलिए मैंने अदरक डाली हुई है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप दूध और अब इसके खोलने का वेट। हमारी चाय खोलने लगी है, अब हम इसे गैस से उतार लेंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसे छन्नी से छान देंगे। तो ये देखिए हमारी चाय तैयार है और ये इसका मसाला।